ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिनसे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है और इनसे पितृदोष लगता है और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश भी कर सकती है। कहा जाता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पितृदोष लगता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि निर्वस्त्र स्नान करने से मृत पूर्वजों को तृप्ति नहीं मिलती है और जो लोग बिना कपड़ों के स्नान करते हैं उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसी है नियमों में एक है निर्वस्त्र स्नान न करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा करते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी कि निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनसे वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी। कुछ कॉमेंट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नवीन के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश।